देख लो अंकल जी, आपको जो रखना है वो रख दो इसके अंदर आज। चलो बात, ये अलमारी ना बहुत रेयर खुलती है। हाँ भाई, तो अंकल जी ने बोला कि आज ये अलमारी की चाबी मेरे को दो भैया, इसमें कुछ रखना है मेरे को। एंड वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम लॉक्स बैक हियर। एंड भाई पार्किंग में हो गया था अभी सीन, ये एक टायर खराब हो गई थी उसके चक्कर में, ये सारे तोड़नी पड़ गई, वो एक टायर देख रहे हो उसके चक्कर में, और वो पीसी फिर आ जाया बड़ी मुश्किल से। हाँ भाई, तो अभी यहाँ सारा पूरा काम चल रहा है पार्किंग में। चलो हम लोग चलते हैं इतना, बिकॉज आज मेरे पास जाना है कनॉट प्लेस, पूरी बात करते हैं रास्ते में। सो लेट्स गो। तो आज ना एक्चुअली फ्राइडे है, तो हम ना बिल्कुल सोचने में पड़े हुए हैं कि कल सैटरडे संडे दिल्ली में था वीकेंड कर्फ्यू, तो पिछले हफ्ते तो था, तो अंकल आपको लगता है कि इस हफ्ते भी है? बिकॉज चिराग भैया ने बोला कि जो DDMA है उनकी जो गाइडलाइंस है उसमें तो नहीं लिखा कि कल कर्फ्यू है, तो चिराग भैया तो ये बोल रहे हैं कि कर्फ्यू ऐसी जरूरत तो है नहीं कोई पास वगैरह की, क्योंकि कल नॉर्मल तरह से जैसे आज है वैसे ही है, रात को हो जाएगा 10 बजे जो होता नाइट कर्फ्यू वो तो होगा ही, बट वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा। तो हम सोचने में पड़े हुए हैं कि भाई हमारा कल एक्चुअली प्लान है, वो प्लान हम एक्जीक्यूट करें या ना करें, बिकॉज अगर कल हो जाता है कर्फ्यू तो हम जा नहीं पाएंगे, और इस चक्कर में अभी अंकल जी ने पता करा तो अंकल जी को तो ये पता लगा कि कल कर्फ्यू नहीं है, बट अभी सोचे पड़े हैं कि क्या करा जाए। एक बहुत मेरे को पता लगी यूनिक सी चीज़ ऑडी में, अगर मैं क्लिक करता हूँ कार सिस्टम्स पे और जाता हूँ सर्विसिंग एंड चेक्स में, और यहाँ पे आता है अंकल इंजन ऑयल लेवल। हाँ भाई, तो आप मेरे को ये बोल रहे थे कि नॉर्मली उनको देखना पड़ता है, मतलब वो स्टिक निकाल के इंजन से, हाँ, कि इंजन ऑयल है कि नहीं है, बट इसमें यहीं दिख जाता है। हाँ, मतलब आपने कभी देखा है यार फीचर आज तक कभी किसी गाड़ी में कि इंजन ऑयल यहीं दिख जाता हो? नहीं भैया, अक्सर जो DNA भी नहीं है ना, ये लैंप में भी नहीं है, नहीं है, बट ये इसमें दे रखा है, मतलब देखो ऑयल लेवल इसमें आ रहा है, ओके बिल्कुल मैक्स तक भरा हुआ है। अगर आपको अंकल गाड़ी का व्हील चेंज करना है तो यहाँ से ये ऑन कर दो, तो इसका मतलब गाड़ी जो है समझ जाएगी आपको, जब ये चेंज कर रहे हो तो इसका अगर आप ऑन नहीं करोगे ना तो आपको सस्पेंशन है ना अंकल जी वो दब जाएगा। अच्छा, हाँ जी, अभी एक्चुअली आए थे गिरीश भाई और मिलन भाई, उनको चाहिए अपने लिए एक BMW 1250 GS, क्योंकि भाई वो जो बाइक है एडवेंचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अभी उन्होंने ली थी टेना रिसेंटली एंड वो कह रहे थे उनको जब मैंने वो भर चुका, बिकॉज उनको चाहिए एक टूरिंग बाइक ना कि स्पोर्ट्स बाइक, तो अंकल जी उनको बाइक दिलवाना अंकल बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज 1250 जो GS है अंकल है ही नहीं, डुकाटी मल्टी शाडा 1200 भरी पड़ी है, बट भाई जो उनको चाहिए 1250 GS, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप CBR लेके देखो, जो CBR 1000 है, बिकॉज वो बाइक तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स बाइक है टूरिंग नहीं है, बट वो कह रहे हैं मेरे को टूरिंग बाइक ही चाहिए, बिकॉज उनको अंकल मसूरी जाना होता है, मनाली चले गए इस बाइक पर, वो मतलब बाइक अंकल ऐसी कि मतलब उस पर चक्कर काट लो लंबे लंबे ऐसे। मैंने ली ना टाइगर ली थी मैंने, टाइगर अंकल जी बाइक थी मतलब सिटी में घूमने लायक बाइक है, लेकिन वो मेन है टूरिंग बाइक, मतलब बाहर चले गए इसको लेकर के कहीं भी तो आपकी जो पीठ है ना अंकल वो दर्द नहीं करेगी उस बाइक में, बट वो ऐसी है कि मतलब यार उस बाइक में इतना बढ़िया कंफर्ट है, हीटेड ग्रिप्स होती हैं, पैनियर्स लगा लो, सामान वगैरह कहीं ले जाओ, बिकॉज वो बड़ी बाइक बहुत ज़्यादा सही लगती है, एंड मुझे भी तरह से वो बाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट यार 1250 GS जो है वो मेरा टेस्ट नहीं है, बिकॉज वो जो बाइक है वो प्रॉपर टूरिंग है, एंड मेरा जो टेस्ट है वो है स्पोर्ट्स, मेरे को आवाज़ चाहिए मेन, एंड मेरे को चाहिए मेन पिकअप बाइक का। ऑफिस सारे बंद है ना आज? हाँ भैया, तो इस चक्कर में अंकल जी मतलब सारे रोड ही खाली हैं, तो हम अंकल जी 37 मिनट्स में अपने घर से आ गए, 20 किलोमीटर का नॉर्थ प्लेस, और हम पहुँच भी चुके हैं इतनी जल्दी, और खूब आराम से आए। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भगाते भगाते आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। हम आ चुके हैं कनॉट प्लेस में, गाड़ी देखो कितनी बाहर निकल रही है, मतलब ये नॉर्मल गाड़ी खड़ी है और इतनी बाहर है, बहुत लंबी है अभी। ये मशीन लगा दी है इन लोगों ने अंकल, इससे पता क्या होगा, जैसे किसी के पास गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो यहाँ पे आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो कर जाओ, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके ये प्लग लगा जाओ, तो उसमें वो पे कर देना जो उनका पैसे वैसे होंगे, और आपकी जो गाड़ी इतना चार्ज भी हो जाएगी, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, और फास्ट आ जा रहा है। देखो भाई कनॉट प्लेस में आ जाके मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, बिकॉज भीड़ ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ फ्राइडे का दिन है भाई, भीड़ ही नहीं है बिल्कुल, जरा सी भी नहीं, मतलब ये अंकल तो पूरी लोकेशन है ना इतनी जैम पैक होती है, और आज बनते ही नहीं है, आधी शॉप्स आज बंद है देखो, और आधी खुली है, और इवन है ना दिल्ली में भैया, जब पहले गाड़ी लेके आते थे अपनी ओडी ने तो जल्दी पार्किंग वाले पार्किंग में मना करते थे, भाई चाबी देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, अच्छी तरह गाड़ी लगा दी। ये है यहाँ की फेमस शॉप शेक्स की, और यहाँ से मैंने ली अपने लिए कोल्ड कॉफी, और भाई वहाँ कट रहे हैं चालान, मैंने अपनी कोल्ड कॉफी तो पी ली है, और चलान कितने का कट रहा है 2000 रुपये का, तो अंकल जी वहाँ पे जरा गए हैं देखने के लिए क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज कम से कम 20-25 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, मैं तो भाई इतना कॉफी इंजॉय कर रहा हूँ बस, और अंकल जी वहाँ पे खड़े हैं पता नहीं क्या हुआ है। मैं भी आ रहा हूँ टॉय शॉप में रामचंद्रा टॉयज, और भाई यहाँ पर ये है पान, अंकल मैं यहाँ पे खाया ना फायर पान, यहाँ का बहुत फेमस है ये, और यहाँ पे था सोशल अंकल, यहाँ पे आया था कैफे में बहुत आते थे हम, बट अभी जरा चलते हैं टॉय शॉप में। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ बॉबल हेड, लेकिन वो मिल नहीं रहा है कहीं, तो यहाँ पर देखने के लिए आऊँ, मेरे को लगाना है एक्चुअली वो लैम्बोर्गिनी के अंदर, और बहुत सही लगता है बॉबल हेड, और भाई यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ मैं बॉबल हेड, यहाँ पर ये सारे अवेलेबल हैं, और ये बिगेस्ट टॉय स्टोर है दिल्ली का और ओल्डेस्ट टॉय स्टोर, यहाँ पर कार्स वगैरह इतना कुछ अवेलेबल है, याद है अंकल पहले यहाँ पर कितना आता था टॉयज, पापा को मम्मा को लेकर के मेरे को टॉय चाहिए, तो यहाँ पर बॉबल हेड के हर ये ऑप्शन अवेलेबल है, हल्क है, थोड़े एनिमे फिगर्स वाले भी हैं,
और यार यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है टॉयज़ में, शुरुआत से यहीं पे आता हूँ मैं। और यहाँ पे कार मॉडल्स हैं, फरारी है 458, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मर्सी लागो या गयाडो मिल जाए मेरे को छोटे में, बट 64 मैंने 64 में। और यहाँ पे ट्रैक्टर्स, यहाँ पे हरा मैंने टॉयज़ ले लिए हैं अपने लिए, गयाडो मेरे को मिल गई तो गयाडो मैंने ले ली। और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और भी ली हैं जो कि आप लोग को दिखाऊंगा घर पहुँच करके। और अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक F1 का RC मॉडल पड़ा हुआ है, और ये भाई यूजुअली कहीं मिलती है नहीं, आपको भी दिखाता हूँ। ये है भाई F1 का मॉडल, मतलब ये सामने रिमोट कंट्रोल है और बहुत सही लग रही है ना, बहुत। भाई ये देखो यार यहाँ पे भी इतने हरे मॉडल्स हैं, और यहाँ यहाँ पे प्लेन्स हैं, स्पेस शटल्स हैं, ये एक्शन फिगर्स हैं, बैटमैन सुपरमैन, और यहीं पे सारे स्टफ टॉयज पड़े हुए हैं। मतलब ये देखो ये ओल्डेस्ट टॉय स्टोर है सिंस 1890, बहुत पुराना टॉय स्टोर है। कुछ खाने के लिए वेंगर्स में आए थे और हमको लगा थी भाई खाली हो गया, और सच में खाली हो गया सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली लाइन लगती है। अब कुछ खाने के लिए मन कर रहा था, कुछ खा ही नहीं पाएंगे, सिर्फ ब्रेड वगैरह बची हैं, पैटी वगैरह सब खत्म। इस सोच में आया था अंकल जी हम खाएंगे आज, अच्छा खाएंगे, पर ऐसा खाया कि कुछ खाने को ही नहीं मिला, सिर्फ कॉफ़ी मिली। बॉबोले डम को मिल चुके हैं भाई, डोरेमोन वगैरह शिनचैन वगैरह सारे हैं यहाँ पे, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। मैंने गूगल करा कि भाई कल कर्फ्यू है कि नहीं, तो अंकल देखो ऑर्डर तो आया हुआ है कि कर्फ्यू है, बट अभी ये समझ नहीं आ रहा कि प्रॉपर कर्फ्यू है लाइक यू कांट गो आउट या क्या सीन है, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को भी, समझ नहीं आ रहा मतलब यार जो कर्फ्यू है, चलो ठीक है, चला भी नहीं बताया कि कर्फ्यू नहीं है, बाकी सब लोग कह रहे कर्फ्यू है बिकॉज कल जितनी भाई सारी शॉप्स हैं वो तो बंद है, बिकॉज कल सैटरडे संडे को जितने भी लोगों से मैंने पूछा कि कल शॉप खुली है तो हमने बोला कल शॉप बंद रहेगी। तो आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट कि भाई क्या सीन है, चिराग भैया कह रहे हैं एडवोकेट को तो एक्चुअली अलाउड है, तो चिराग भैया कह रहे हैं आई थिंक वो अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए अलाउड है, आई कैन गो आउट बिकॉज उनको क्लाइंट्स वगैरह से मिलना होता है ना, बट भाई हम लोगों के लिए तो भाई नहीं अलाउड, तो कल घर ही बैठना पड़ेगा शायद, लेट्स सी, आपको पता चल जाएगा वो कल वाले ब्लॉग में। बट अभी यहाँ पे तो फिलहाल देखो जाम कितना लगा हुआ है। तो मैं लेकर आया था अपने लिए ये लैम्बोर्गिनी का मॉडल 560-4, जो कि है सेम मेरी कार का मॉडल, डैश फोर का मतलब होता है फोर व्हील ड्राइव, और 560 जो कार का BHP है। और इसमें एक और मॉडल भी आता है जो कि होता है 550-2, यानी कि वो होता है रियर व्हील ड्राइव, और उसका जो BHP होता है वो होता है 550 BHP। और मेरे को भाई और भी टॉयज वगैरह लेकर आया था, देखो यार ये सारे पड़े हैं, ये आपको मैं कल दिखाऊंगा बिकॉज कल है वीकेंड कर्फ्यू। हाँ भाई पता लग चुका कि कल वीकेंड कर्फ्यू है, तो चक्कर में कल मेरे को जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ कल मैं हरी लगाऊंगा कार में, तो आपको दिख जाएगा वो कल वाले ब्लॉग में। और खत्म करता हूँ आशिफ लगो यहीं पे, एक मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड अपना जो ऑफिस है वो हो चुका है रेडी, अब करूंगा मैं शिफ्टिंग अपनी प्रॉपर ऑफिस में, तो उसके लिए स्टे ट्यून। खत्म करता हूँ ब्लॉग यहीं पे, विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ एंड बाय। मामा देखो मैं कुछ लेकर आया हूँ अपने लिए, इस बार खोलो उसको एक बार इसमें। हाँ डोरेमोन